ना साथ दिया। मुझ पर निशाना इसलिए साध है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आजादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सबका नाम था आजादी, अंग्रेजों से मुक्ति, तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी है, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह है, लेकिन ठीक है।